हेलो पिलामाने, मधुआपुर शिक्षण कार्यक्रम इतिहास श्रेणी को तुमको स्वागत। कहिला पिलामाने, ओडिशार अधिकांश लोकंकर प्रमुख जीविका कौन? हाँ, कृषि। शतकड़ा 70 भाग लोक एही कृषि उपर निर्भरशील। तेणु कृषक एवं कृषि उभय आम देश तथा राज्यर आर्थिक स्थितिर मेरुदंड कहिले अत्युक्ति हेबो नाही। देशर विकास प्रत्यक्ष व परोक्ष भावे कृषिर विकास उपर निर्भरशील। तेणु सरकार सदा सर्वदा कृषिर विकास उपर गुरुत्व देइछन्ती। ताहले चलो आज आम अध्ययन करवा तुम इतिहास बहर चतुर्थ अध्याय तृतीय पाठ कृषि विकास। चिरस्थायी बंदोबस्त समय चलीआसुवा जमीदारी प्रथा एक मुख्य समस्या थिला कृषि विकास। कृषक को जमीर सत्वाधिकार प्रदान थिला एहार मुख्य समस्या। तेणु स्वाधीनता परवर्ती सरकार कृषि विकास को गुरुत्व दे एक जमीदारी उच्छेद संक्रांत विधेयक डॉक्टर हरेकृष्ण महताब ओडिशा विधानसभा आगत करते। षष्ठ दशक जमीदारी उच्छेद आईन कार्यकारी हला। भूदान आंदोलन जड़े मुख्य पुरोधा भाव में विनोबा भावे भूदान आंदोलन में परिचित थे। 1955 मसीह जो भूदान आंदोलन होता से जमीदार मानु चाष जमी को संग्रह कर आदिवासी एवं कृषक मानक बांटि दिगला। एही भूदान आंदोलन द्वारा आदिवासी कृषक मानू जमी को अधिक सुरक्षा दिगला एवं भागचाषी मान स्वार्थ को गुरुत्व दिगला। कृषक मानू ग्राम महाजन लोलुप दृष्टि रक्षा करने तथा आर्थिक सहायता जोगाई देवा निम्ते नि किसी पदक्षेप आस जाणी। 1947 मसीह ग्राम महाजन एक चाटिया अर्थ कारबार को नियंत्रण करने सकाशे एक आईन प्रणयन करागला। 1948 ठीक से ही परी गोटी श्रमिक प्रथा उच्छेद करने एक आईन कार्यकारी करागला एवं 1976 मसीह गोटी श्रमिक प्रथा को संपूर्ण रूपे उच्छेद करागला। कृषक मानू आर्थिक सहायता देवा निम्ते समवाय संस्था मान गठन करागला एवं 1948 मसीह सरकार को द्वारा राज्य समवाय बैंक को प्रतिष्ठित करागला। प्राकृतिक विपर्यय समय फसल क्षतिग्रस्त कृषक मानू तकाबी ऋण व्यवस्था करागला। कृषि विकास दिगरे सरकार को द्वारा निया अन्य किसी पदक्षेप विषय आस जाणी। प्रथमटी है सरकार अधिक खाद्यशस्य उत्पादन कर योजना अनुसार पतित जमीगुड़ी को चाष उपयोगी करागला एवं अनेक क्षेत्र में चाषी मानू ऋण छाड़ कर दिगला। जलसेचन निम्ते पोखरी केनाल जलाशय गुड़िकर पुनरुद्धार एवं खनन कार्य करागला। यह छड़ा सरकार आउ एक कार्यक्रम थिला रिहाती दर में कृषक मानू सार बिहन हल लंगल बलद इत्यादि जोगाईदे जहाँफल कि कृषि विकास दिगरे अन्य एक पदक्षेप हो पारा। आस जाणी पीले टेस्ट रिलीफ कौन? टेस्ट रिलीफ होउची एपरी एक कार्य व्यवस्था जो थे लोक मैंने श्रमदान बदल पाती खाद्य बा अर्थ जेपरिक रास्ताघाट खनन पोखरी खनन यह सब कार्य लोक मानक निजुक्त करदल लोक मानक दि जाए अर्थ बा खाद्य शस्य। प्राकृतिक विपर्यय समय साधारणतः लोक कर्म निजुक्ति सकाशे सरकार टेस्ट रिलीफ कार्यक्रम प्रचलन कर। टेस्ट रिलीफ केवल रिलीफ भली एक मागणा खाद्यशस्य बंटन सेवा नुहे। कृषि शिक्षा और गवेषणा पर सरकार एक कृषि महाविद्यालय एवं कृषि विश्वविद्यालय प्रतिष्ठा करिछन्ति। कृषि गवेषणा निमन्ते कृषि गवेषणा केन्द्र प्रतिष्ठा कर जमीर उर्वरता रक्षा करने बजाय रखा सकते सरकार विभिन्न प्रयोगशाला मान प्रतिष्ठा कर। आधुनिक प्रणाली रे कृषि पई विभिन्न प्रदर्शनी कृषि क्षेत्र मान प्रतिष्ठा कर जहाँकि कृषि विकास दिगरे उन्नत संभव हो पार। कृषि विकास निम्ते सरकार अन्य एक पदक्षेप जहाँ फल चाष निम्ते विभिन्न स्थान में फल चाष केन्द्र मान प्रतिष्ठा करपरिक अनुगुल पट्टांगी जी उदयगिरी ठारे फल चाष केन्द्र मान प्रतिष्ठा कर। एठारे फल गछ चारा कलमी प्रस्तुत करा जाए कृषक मानंकु वितरण करा जाउछि। जलसेचन और बन्या नियंत्रण सकाशे सरकार किसी पदक्षेप रही बहुमुखी नदीबंध योजना गुड़ी को निर्माण करा जाए।
जलसेचन बन्या नियंत्रण पई ओडिशा सरकारक द्वारा एक बृहत नदीबंध योजना निर्माण करा जायतिला जहार नाम थिला हीराकुद नदीबंध योजना। तुम्हें देखि पार्थो पिले एहा होची हीराकुद नदीबंधर योजनार चित्र। एही योजना केन्द्रीय जल आयोग द्वारा कार्यकारी होइतिला एवं एहार कार्य 1948 आरंभ होई 1956 मसीहारे समाप्त होइतिला। हीराकुद नदीबंध योजनार तीनोटी मुख्य उद्देश्य थिला। प्रथम उद्देश्यटी थिला महानदीर थिबा त्रिकोणभूमि अंचलरे बन्याकु नियंत्रण करिबा, बल्लांगीर एवं संबलपुर जिल्लारे जलसेचनर व्यवस्था करिबा एवं जल विद्युत शक्ति उत्पादन करिबा थिला एही बहुमुखी नदीबंध योजनार उद्देश्य। माछ चाष मध्य थिला हीराकुद नदीबंध योजनार अन्य एक उद्देश्य। हीराकुद नदीबंध योजना भळी अन्य किछि नदीबंध योजना विषयरे जानिबा आस। एहा होउछि माछकुंड योजना जहाँकि आंध्रप्रदेशर सहायतार तैयारी हो पार्ला। माछकुंड योजना यह कोरापुटर अपर कोलाब योजना देख पिले छविगुड़ी को माछकुंड योजना कोरापुटर अपर कोलाब योजना। आउ किसी नदीबंध योजना देखा रेंगाली ठारे भीमकुंड नदीबंधर योजना मध्य इंद्रावती योजना मध्य जो जगार जलसेचनर सुविधा ना से उठा जलसेचनर व्यवस्था कराफल कि कृषक मानक जलसेचनर कौन असुविधा होबना। कृषि व्यतीत ओडिशा सरकार गोपालन मछचाष कुकुड़ा पालन प्रभृति कार्य को प्रोत्साहन जगै चलते जहाँफल कि कृषि विकास दिगरे उन्नति परिलक्षित हो पार्छि। गोधनर सुरक्षा निम्ते गाँ गहली पशु डाक्तर को निजुक्ति मिली एवं 1949 पशु मानू संक्रामक रोगर रक्षा करने एक आईन कार्यकारी करागला। महानदी धामरा सुवर्णरेखा एवं चिलिकार मछचाषी मानक उत्साहित तथा तो सेमकर सुरक्षा निम्ते गुरुत्व दिगला। देख पिले छवि देखिपार मछचाषी मानू विपद संकु अवस्था से मैंने किपर निजर जीविका निर्वाह करेणु से सुरक्षापी सरकार अधिक गुरुत्व जहाँफल कि लोक मैंने आग्रह सृष्टि करें। आस पे जाना अभावी बिक्री कौन जितेबाला खाद्यशस्य उत्पादन हुए एवं अमल करने समय उत्पादित सामग्री सठिक मूल्य बिक्री नहबा द्वारा कृषक आर्थिक स्थितर सम्मुखीन संकटर सम्मुखीन हुए जहाँफल कि कृषक आर्थिक स्थिति खराब हुए। तेणु सरकार यही समस्या रक्षा करने सीधा सड़ख कृषक मानु धान संग्रह व्यवस्था कराफल कि अभावी बिक्री को दूरे दि जापर। कृषि विकास निम्ते चारिगोटी निर्देशालय रही पिले से निर्देशालय गुड़िकला कृषि और खाद्यशस्य उत्पादन निर्देशालय, द्वितीयटी है उद्यान कृषि निर्देशालय एवं मृत्तिका संरक्षण निम्ते मृत्तिका संरक्षण निर्देशालय, जल विभीषिका उन्नयन निर्देशालय। यही चारोटी कृषि निर्देशालय को बाद देलापर मध्य पशु संपदर विकासपी पशुधन निर्देशालय एवं मत्स्य पालन निर्देशालय मध्य प्रतिष्ठा करा जायतिला। कृषि विकास क्षेत्र में सहयोगी भूमिका निर्वाह करुथबा केतेक निगम और अनुष्ठान गुड़िक हेला ओडिशा राज्य बिहन निगम, द्वितीयटी हेला ओडिशा कृषि शिल्प निगम जहाँकि कार्यकारी कराऊ कृषि संप्रसारण एवं परिचालन प्रतिष्ठान, ओडिशा काजु उन्नयन निगम एवं ओडिशा कृषि क्रम उन्नति एवं विनियोग निगम। यही सब निगम द्वारा कृषि विकास एवं कृषक मानक जगै दि जापार। कृषि शिक्षा एवं गवेषणा निम्ते कटक केन्द्रीय धान गवेषणा केन्द्र प्रतिष्ठा करा जहाँकि पिले NRRI नाम सुपरिचित। कौशल्या गंगठारे केन्द्रीय मधुर जल मछचाष प्रतिष्ठा करा एवं ठीक से हीपरी साक्षी गोपाल ठारे नारिकेल गवेषणा केन्द्र प्रतिष्ठा करा जाए छी। 1976 मसीहारे कृषि विज्ञान केन्द्र गुड़िक ओडिशा सरकार द्वारा विभिन्न स्थान रे प्रतिष्ठा करा जाए छी एवं एहा द्वारा कृषि संबंधी विज्ञान प्रति कृषक पाखे पहुँची पार से दिगरे गुरुत्व दि जाए। चल किसी प्रश्न गुड़ी आलोचना करवा। प्रत्येक प्रश्नर उत्तर गोटे वाक्य लेख कहला पिले किए जमीदारी संक्रांत एक विधेयक
ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭାରେ ଆଗତ କରିଥିଲେ। ହଁ ଠିକ୍ କହିଛ, ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଡକ୍ଟର ହରେକୃଷ୍ଣ ମହତାବ, ଯିଏକି ଆମର ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ଦେଖିବା ପିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରାକୃତିକ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସମୟରେ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଋଣ ଦିଆଯାଉଥିଲା ସେହି ଋଣର ନାମ କ'ଣ? ହଁ, ତକାଭି ଋଣ। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ ତୃତୀୟ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବବୃହତ ବହୁମୁଖୀ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନାର ନାମ କ'ଣ? ହଁ, ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା। ହୀରାକୁଦ ନଦୀବନ୍ଧ ଯୋଜନା କହିଲ ପିଲେ। ଭୂଦାନ ଆନ୍ଦୋଳନର ଜଣେ ମୁଖ୍ୟ ପୁରୋଧା ଭାବରେ ପରିଚିତ ଥିଲେ କିଏ? ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବିନୋବା ଭାବେ। କୃଷକମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସାହାଯ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ କେଉଁ ସଂସ୍ଥା ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରାଯାଇଥିଲା କହିପାରିବ ପିଲେ? ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ, ହଁ, ସମବାୟ ସଂସ୍ଥା। ଆଚ୍ଛା ପିଲେ ଶୂନ୍ୟସ୍ଥାନ ପୂରଣ କରିବା, ରାଜ୍ୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଡେଶ ମସିହାରେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିଲା। ହଁ, 1948 ମସିହା। ଡେଶ ମସିହାରେ ଗୋତି ଶ୍ରମିକ ପ୍ରଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଥିଲା କହିପାରିବ ପିଲେ? 1976 ମସିହାରେ ଗୋତି ପ୍ରଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଉଚ୍ଛେଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ସେହି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଯିବା, ଡେଶଠାରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି? ହଁ, କଟକଠାରେ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି, କହିଥିଲି ନା, ଯାହା NRRI ନାମରେ ପରିଚିତ। କଟକଠାରେ ଏକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଧାନ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ପିଲାମାନେ, ସାକ୍ଷୀ ଗୋପାଳଠାରେ ଡେସ୍ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି? ନାରିକେଳ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର। ନାରିକେଳ ଗବେଷଣା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି। ରେଙ୍ଗାଲିଠାରେ ଥିବା ଡେସ୍ ଯୋଜନା ଓଡ଼ିଶାର ଜଳସେଚନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସହାୟକ ହୋଇପାରିଛି, ଭୀମକୁଣ୍ଡ ଯୋଜନା। ତାହେଲେ ପିଲେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି, ଧନ୍ୟବାଦ, ବାଏ ବାଏ।